अभी पिछले एक दो दिन की न्यूज़ है, कर्नाटक में 26 वर्षीय हर्षा को जान से मार दिया गया है। कर्नाटक के मिनिस्टर का कहना है कि मुस्लिम गुंडों द्वारा मारा गया। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा क्यों मारा गया, उसके कई कारण हो सकते हैं। कारण नंबर एक, उसने हिजाब प्रोटेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उसने एक स्टैंड लिया कि स्कूल्स में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसने एक पोस्ट फेसबुक किया और इन कुछ कारणों की वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहली चीज़, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसको एक नेशनल इशू क्यों नहीं बनाया जा रहा है, किसी की जान चली गई है। ठीक, दूसरी चीज़, जब सीए राइट्स की बात हुई थी और सीए प्रोटेस्ट की बात हुई थी, तब बहुत बड़े बड़े लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लेके स्टेज पे चढ़ गए थे कि हमें इसको बचाना है, हमें मुसलमानों को बचाना है, हमें अपने सेकुलर थ्रेड को बचाना है। तो यहाँ हिंदू सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करवाने के लिए जान दे देता है, और कौन जान लेते हैं? पीस लविंग पीपल। और ये जो हमारे रखवाले हैं जिनको सेकुलरिज्म बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, लिबर्टी या पता नहीं क्या क्या, इन सब के रखवाले बन के सेलेक्टिव एजेंडा जब करने आ जाते हैं, तो इस केस में उन्हें क्यों नहीं नज़र आया कि किसी की सिर्फ इतनी सी ही डिमांड है कि जैसे आज तक चलता आया है कि स्कूल कॉलेजेस में कोई रिलीजियस अटायर पहन के ना जाए, एक डिफरेंट अटायर पहन के ना जाए, एक यूनिफॉर्मिटी आए जिससे कम से कम जो बच्चों में जो जहर है वो ना खोला जा सके, बच्चे एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम से ईसाई ना माने। आप हर व्यक्ति रिलेट करेगा मेरी एक बात से, आप कमेंट करके बताइए अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो, कि सबसे ज़्यादा चाहे लड़का लड़की हो, चाहे लड़का लड़का हो, चाहे लड़की लड़की हो, मतलब बच्चे जिस एज में होते हैं, स्कूल लाइफ में होते हैं 12th तक, उनकी दोस्ती किसी भी रिलीजन वाले से हो जाती है और वो बहुत लंबा टिकती है, और उसी दोस्ती की वजह से उनको ये भरोसा होता है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, चाहे समाज, चाहे पॉलिटिशियन, चाहे कोई कितनी भी नफरत फैलाना चाहे, मैं उस हिंदू से या उस मुसलमान से या सिख से, ईसाई से, वो दलित से, इससे उससे, किसी से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, मुझे कुछ भड़काने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। वही वो एज होती है। मैं ऑन कैमरा ये एडमिट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए एक तरीके से, शायद अगर कोई मेरा दोस्त सुने तो सोचे कि मैं उसे इस कैटेगरी में ला के रख रहा हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने मुंह में उंगली डाल दी कि अब बोलो। मेरे दो तीन चार दोस्त मुसलमान भी हैं, लोअर कास्ट से भी दो तीन दोस्त हैं जिनको आप टर्म्स देते हैं वैसे भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, हर कम्युनिटी के एकाध दोस्त हैं क्रिश्चियन छोड़ के। हाँ, मैंने उस वक्त से लेके आज तक अभी भी, चाहे मैं जितना हिंदू मुस्लिम की बातें कर लूँ, मैं उनमें फ़र्क नहीं करता, कभी नहीं करता। कोई ऐसी इंटेंशन भी नहीं आई, कुछ मेरा कुछ स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं बदला है। जब उनको देखता हूँ तो लगता है कि गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, लेकिन जब मैं कश्मीर की बातें सुनता हूँ कि जो बच्चे दोस्त थे, जो बच्चे स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने ही फीमेल टीचरों का बलात्कार किया, जो लोग साथ में चाय पिया करते थे उन्होंने अपने ही दोस्तों के घर के ताले तोड़े और उनके महिलाओं का बलात्कार किया, उनकी जानें ली। इसे मुझे याद है कि कश्मीर फाइल्स पिक्चर आने वाली है, ट्रेलर आ चुका है, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों के हक़ के लिए, मुसलमान बच्चों के हक़ के लिए कोई हिंदू की इस तरीके से मुसलमानों द्वारा ही हत्या हो जाए, ये फिर कहीं से जस्टिफाइबल नहीं होगा। और कई जगह तो वीडियोज़ ये भी आ रही हैं कि मुसलमान बच्चे ही हिंदुओं के अटायर में उस भगवा साफा लेके, सब कुछ लेके पत्थरबाजी कर रहे हैं, फिर एक जगह वो भगवा सब जब जो भी अटायर है उसको डंप कर रहे हैं। तो बहुत सारी फुटेजेस हैं, वायरल क्लिप्स हैं, कितने सच है कितने झूठे मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये हर्षा के साथ हुआ उसके लिए हमें जस्टिस मांगने की बिल्कुल ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए कि इसका इसका मुद्दा तब तक नहीं दबना चाहिए जब तक ये मामला अपने तह तक नहीं पहुंच जाता, जब तक एक स्ट्रिक्ट जजमेंट नहीं आ जाता कि जिसको मनमानी करनी है वो मदरसे में जाए, जिसको बुरखा पहनना है वो मदरसे में जाए। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हर्षा की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है उसकी कुर्बानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसका बलिदान, कुर्बानी नहीं, उसका बलिदान वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जिसको जिसको स्कूल में हिजाब और बुरखा पहन के आना है कृपया वो मदरसे में जाए। अगर मदरसे में आपको सम्मान के साथ जगह मिल जाती है तो महिलाओं को कितना सम्मान इस्लाम में, ये महिलाएं ही जाने तो अच्छी बात है, क्योंकि निकाह हलाल हर जगह नहीं होता, ट्रिपल तलाक की 10 वेराइटियाँ हर जगह नहीं है। खैर, और तलाक शब्द भी आप ही के यहाँ से निकला हुआ है, हिंदू कल्चर का हिस्सा नहीं।
और फिर ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है भारत की इकोनॉमी में, सेफ्टी में, तमाम ऐसी ऐसी जगह पे। अगर इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में है तो सीए के दंगों की वजह से, तमाम राइट्स की वजह से ये देश की इकोनॉमी में इतना फ़र्क कैसे पड़ रहा था, हज़ारों करोड़ों का लॉस कैसे हो रहा था। अगर इनका योगदान देश की सुरक्षा में है तो बम कौन फोड़ रहा है, अगर इनका सेफ्टी और समाज में इनका अगर योगदान है तो हर्षा की मृत्यु कैसे होगी सिर्फ इस बात के लिए कि जो हिजाब प्रोटेस्ट है उसके खिलाफ था, हिजाब के सामने भगवे को रखने की कोशिश की कि हम भी कम नहीं, अगर तुम मनमानी करोगे तो। उसने सिर्फ फेसबुक पोस्ट किया। आपका रिलीजन इतना कमज़ोर कैसे है कि कभी मोहम्मद साहब की पोस्ट पे, कभी हिजाब के अगेंस्ट पोस्ट पे किसी की हत्या कर देता है? तो ये रिलीजन नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है टू कैप्चर पावर। और ऐसी आइडियोलॉजीज़ आती हैं और चली जाती हैं। और आखिरी चीज़, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले कहाँ हैं जो स्टेज पे इक्वालिटी, लिबर्टी, सेकुलरिज्म, पता नहीं क्या क्या। इस बच्चे ने भी, हर्षा ने भी उस चीज़ के लिए ही अपनी जान गंवाई है। ये रिस्क सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिफॉर्मिटी, इन सब के लिए ही किया है। तो अब वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो यहीं से आपका सेलेक्टिव सेकुलरिज्म या सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन एक्टिविज्म सब एक्सपोज हो जाता है। तो जो जनता है जो ये सोचती है कि राणा अयूब, बरखा दत्त, स्वरा भास्कर, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, जितने भी सब गोदी मीडिया एजेंडा वाले लोग हैं, जनता भी देख ले इनका चेहरा, और अब ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।